आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयर कूल्ड एसा रेडार के बारे में। कुछ जगहों पर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि डीआरडीओ की तरफ से एक एयर कूल्ड एसा रेडार बनाया जा रहा है जो यूएवीज के ऊपर माउंट किया जाएगा। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने कई कॉन्टेक्ट से बात करने की कोशिश की और पिछले कुछ समय से जो डीआरडीओ की तरफ से एक्टिविटीज हुई हैं उनको भी रिमॉनिटर करने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोगों को इसको लेकर कोई भी सोर्स नहीं मिला है, यानी कि इस डेवलपमेंट को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जा सकता है। और जहां से भी ये न्यूज निकल कर आई है वहां पर मोस्ट लाइकली उनके पास में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है या फिर ये पूरी तरीके से एक मेडअप न्यूज भी हो सकती है। एनीवेज, ये चीज हम लोगों को एयर कूल्ड एसा रेडार के बारे में बात करने का मौका देती है और इसी वजह से इस वीडियो के दौरान हम लोग एयर कूल्ड एसा रेडार के बारे में बात करेंगे। देखिये, जब भी बात की जाती है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार की तो इनकी पीक पावर को काफी ज्यादा रखा जाता है ताकि ये काफी लंबी दूरी पर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकें। जब भी कोई सिस्टम बहुत ज्यादा पावर पर ऑपरेट करता है तो उसको कूल करने की आवश्यकता होती है और इसी वजह से एसा रेडार्स में लिक्विड कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। टिपिकली एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार में जहां पर टीआर मॉड्यूल्स प्लेस किए जाते हैं उसके साथ साथ इस कूलेंट की पाइपलाइंस को भी मेंटेन किया जाता है और ये कूलेंट इंश्योर करता है कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स में से जो हीट आती है उसको वहां पर कम किया जाए ताकि इसके ऑपरेशन में कोई इंटरप्शन ना आए। नॉर्मली लिक्विड कूलिंग सिस्टम के चलते ये एसा रेडार हेवी हो जाते हैं, इसके साथ साथ इनकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम की अपनी खुद की कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब लो कॉस्ट सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं तब इंश्योर किया जाता है कि वहां पर एक एयर कूल्ड एसा रेडार यूज किया जाए ताकि ओवरऑल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी कम रखी जा सके, उसका वेट कम रखा जा सके और उसकी कॉस्ट कम रखी जा सके। हालांकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एसा रेडार की रेंज के ऊपर पड़ता है क्योंकि इस तरीके के रेडार ज्यादा पीक पावर पर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और कम पीक पावर का मतलब है कि आपकी ओवरऑल रेंज काफी कम हो जाती है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में यूज होने वाला रेडार एयर कूल्ड रेडार है और जब भी एयरक्राफ्ट को बनाते समय कॉस्ट आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है तो उस तरीके की एप्लीकेशंस में एयर कूल्ड रेडार का ही प्रयोग किया जाता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में यूज होने वाला KLJ-7A एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट रेडार है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि ये सिस्टम कॉस्ट वाइज काफी ज्यादा इफेक्टिव है और इसी वजह से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इसका प्रयोग किया गया है। आने वाले समय में इंडिया भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करने वाला है जहां पर कॉस्ट भारत की प्रायोरिटी होगी और इस तरीके की एप्लीकेशंस में यूज होने वाला एसा रेडार नेचुरली एयर कूल्ड एसा रेडार ही होने वाला है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ डिस्प्ले की गई है इसमें आप देख सकते हैं कि कैच वॉरियर के ऊपर भी रेडार माउंट किए जाएंगे और नेचुरली इस तरीके की एप्लीकेशन के लिए जो रेडार बनाए जाएंगे वो लो कॉस्ट, लो कॉम्प्लेक्सिटी और लाइट वेट सिस्टम होने वाले हैं, यानी कि नेचुरली भारत को एयर कूल्ड एसा रेडार के ऊपर काम करना पड़ेगा और इसी वजह से ये जो न्यूज दी जा रही है उसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके की एप्लीकेशन भारत देख रहा है वहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड नहीं गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स का प्रयोग हो सकता है। देखिये, ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स को बनाने के लिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है उसमें आज की टेक्नोलॉजी गैलियम आर्सेनाइड की है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होने वाला है वो गैलियम नाइट्राइड है और गैलियम नाइट्राइड में कूलिंग की कम आवश्यकता होती है, यानी कि एयर कूल्ड एप्लीकेशन के लिए गैलियम नाइट्राइड इस समय ज्यादा सूटेबल मटेरियल है। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में डीआरडीओ को इस तरीके की एप्लीकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा और चांसेस है कि डीआरडीओ की तरफ से ऑलरेडी इस तरीके की एप्लीकेशन के ऊपर काम शुरू कर दिया गया हो। लिक्विड कूल्ड रेडार बनाने के बाद में एयर कूल्ड रेडार बहुत ज्यादा कठिन एप्लीकेशन नहीं रह जाता है और आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से एक प्लैंक बनाया जा रहा था जिसमें टीआर मॉड्यूल्स माउंट किए जाएंगे और ये टीआर मॉड्यूल गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स होंगे, यानी कि डीआरडीओ के पास में इस समय सभी तरीके के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जरूरत है इन सभी को इंटीग्रेट करने की। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।